हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप बढ़िए होंगे। तो जो हमारी संडे की राइड है वो हो चुकी है कैंसिल, मूड ऑफ। लेकिन हमने अपना मूड ऑफ क्यों खराब करना है और संडे क्यों खराब करना है, तो हमने इसलिए रात को एकदम प्लान बनाया कि हम जा रहे हैं अमृतसर दरबार साहिब और जा रहे हैं फैमिली के साथ। इसलिए बाइक पर जाएंगे कि हम जा रहे हैं कार पर, और अभी भाई के घर चलते हैं, वहाँ से कार में बैठेंगे, वहाँ से निकलेंगे। तो चलो रास्ते में आप व्यू को इन्जॉय करना, और जो वो वीडियो को देख रहे हैं वो दरबार साहिब के दर्शन जरूर करना। चलो मिलते हैं फिर। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ब्रदर के घर, और यहाँ पे अभी तक कोई रेडी नहीं है। ब्रदर रेडी हो चुका है, सिस्टर भी रेडी हो चुकी है, और आंटी जी अभी तक रेडी नहीं हुआ। ये देखो आंटी जी जल्दी रेडी हो। वो की करते पे ने घर वाले तक रसोई च बड़े हुए। जल्दी करो, जल्दी तुसी भी हो जाओ रेडी हो। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं बाबा जी के दरबार की, और अभी घर से निकले हैं, रास्ते में मिलते हैं आपसे। सो गाइस, जीडी रोड पे पहुंच चुके हैं, गड्डी स्पीड फड़न लिए रेडी है। तो बाबा जी मेहर करन, सुख शांति ना आइए, सुख शांति ना जाइए, बाबा जी मेहर करियो सब ते साडे ते भी। चलो व्यू एंजॉय करो तुसी। सो गाइस, असी हुण अपना सतलुज टोल टैक्स ते पहुंच चुके हैं। टैक्स तुहानू पता लगना नहीं, क्योंकि जो किसान अपने बंदे ने वो इत्थे धरना लगा के बैठे हैं, वह भी सही ने हुण वो की करन, बल्कि बहुत टाइम हो चुका उन्हां नूं बैठे नूं। सर्दियाँ चलो उन्होंने कट लिया, मगर गर्मी सहनी बहुत औखी है, इन्ना तेज टैंपरेचर है अज तक। सो वो भी इस चीज़ का भी अगले डट के मुकाबला कर रहे हैं। मैं जाके देख के आया वहाँ, अंदर सीन शॉट कर नहीं पाया, नहीं तो विच जरूर पाना सीगा। हर एक चीज़ उन्होंने को हैगी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कूलर लगे, वड्डे वड्डे कूलर लगे ने, छोटे भी नहीं, बहुत ज़्यादा वड्डे वड्डे कूलर है। उन्होंने ट्रालिया नाल जोड़ जोड़ के अपने कमरे वांगू तैयार किया होया, किसी चीज़ की कमी नहीं। लंगर भी लगे हुए, सेवा भी चल रही है। सो बहुत वधिया चल रहा है, बाबा जी मेहर करन, जल्दी जल्दी अपने घरे जान सही सलामत। तो चलो चलते हैं अगे, की कर सकते हैं हम। तो असी हुण पहुँच चुके हैं सतलुज पुल ते, व्यू देखो जरा चैक करो, बहुत वधिया लगता पुल दे उत्तों दी। कोई नीचे भी गया होगा शायद, तो कमेंट करो जो जाके आया हुआ नीचे। इतना ट्रैफिक क्यों है यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आई थिंक अगे एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा कॉल चलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। लगता एक्सीडेंट ही रहा, कॉल जाके देखते हैं। ओ तेरी दी, इसका ट्राली पलटी पई है पूरी। आई थिंक गाइस ये जीरी दी है या फिर तूड़ी होंगी जो ओवरलोड करके, बहुत ओवरलोड करके ले जाते हैं यार। आई थिंक जीरी है, शिट यार, चल की रहा यार दुनिया, लोग बहुत मर रहे इस टाइम। बाबा जी मेहर करो, अगे कुछ ना देखने मिले इदा का। ओहो, ट्रैक्टर की जो लैफ्ट साइड है वह भी पूरी दब चुकी है। आई होप जो चला रहा है वह सही हो। गाइस हुण आपां सीधा मिलते हैं दरबार साहिब, क्योंकि अपना सीधा रोड पर ध्यान देना चाहिए कैमरा ऑफ करके। तो आप सीधा हम दरबार साहिब भी मिलते हैं। चलो वाहेगुरु जी मेहर करना।
जाना रोहन भाजी और को एक्चुअली गए हुए हैं अपना इंटर वगैरह शूट कर पहुँचना जल्दी तो जल्दी मैनू लगता नहीं कि पहुँच पावे लेकिन जो भी जिदा भी पहुँचे जो भी प्रोग्राम होएगा उ जाके पता लगेगा सो पहुँचते जल्दी जल्दी करे बाकी गाइज अगर मेन रोड पर हो जीडी रोड पर तुम से प्लीज़ सेफ होके गाड़ी चलाओ क्योंकि रास्ते च बहुत एक्सीडेंट मिले मैं दसना नहीं चाहता बाकी जो भी है बाबा जी मेहर करन सेफ होके गाड़ी चलाया करो जी बैक गाइस तो 720 तक घर पहुँच गए थे तो हूँ मैं जा रहा रोहन भाजी को फोन किया कहते कि हले उ असं भी जाने देखते रील रूल बनाने इंट्रो तो हम शायद ही शूट हो पाएगा क्योंकि अंधेरा पैन वाला ही है तो जाके कभी रील या फोटो फोटो क्लिक करते हैं देखते हैं कि आती है सही आ साफ आ भी रही है नहीं आ रही है बाकी उत्थे जाके पता चलेगा बाकी गाइस ब्लॉग च इन्ना कुछ खास तो नहीं है बस बाबा जी के दर्शन सके हो गए तुम भी कर ले तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर देना चैनल में फैमिली नाल हो गए मेरे को व्लॉग बन नहीं सकता क्योंकि अपन मजा आता बाइक से अपने को व्लॉग बन जाता है हम इतने बैठे हाँ बाइक से कैमरा ऑन है सब कुछ रिकॉर्ड होंगे रहना गड्डी च बैठे हाँ फोन हाथ कैमरा हाथ च होना है बार बार चकना पैंता कुछ इन्हें रिकॉर्ड करते हैं इन्हें पीछे चला जाता है सो बाइक इज बेस्ट फॉर राइड एंड मोटो व्लॉग चलो जो भी है हम उत्ते जाके देखते हैं की होंगे की नहीं होंगे बाकी तुसी व्लॉग नूं आई होप इंजॉय किया होगा बहुत भीड़ है यार साइड दो जी निकलन दो फटाफट तो अपना हुण मनाली का भी प्रोग्राम बन रहा है मनाली पहले आपां जाना है फिर मनाली फिर उपर बर्फीली जिथे बर्फ पैंदी है आपां उत्थे भी जाके आना एक रात उत्थे भी रुक के आना है तो मैं हूँ सोच लिया कि मैं जाऊँगा तो बाइक से जाऊँगा नहीं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि कार तो मेरे को ब्लॉग बन ही नहीं सकता फैमिली नाल बाइक से जावे देखा हम कला जाना चाहना बाइक लैके या फिर रोहन भाजी नाल जाना जो होएगा तुम ब्लॉग है तो पता चल जाएगा उदों तक पता नहीं किन्ने ब्लॉग आ जाने हैं तुम सपोर्ट करते रहो बस साथ दे रहो ताकि आप होर वधिया कंटेंट लैके आ सकिए चलो उत्ते पहुंचते हैं देख रहे हैं की कर रहे हैं गाइज असी हुण पहुँच चुके हैं अपनी उन्होंने कलोनिया जिथे असी आके अपना फोटोशूट वगैरह रील्स वगैरह बना के जाने रील्स तुहानू इंस्टाग्राम पर मिल जूगी देखने अंकुश अरोड़ा ब्लॉग सर्च कर लियो सो आई थिंक और ये सामने साढ़े रोहन भाजी चलो देखते हैं की कर रहे ने अच्छा जी सैटअप हो रहा इत्थे डराइए इन्हां नूं थोड़ा हमारे साथ एक कांड हो चुका है हमारा जो सेटअप किया था हमने हेलमेट का वो एक्चुअली मेरी गलती से टूट चुका है इन्होंने लगाया थोड़ा सा ज्यादा जोर से कुछ भी टूट जाता है गया खत्म टाटा बाय बाय मिट्टी 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 तो थोड़ा प्रोफेशनली अब सेट करेंगे करना पड़ेगा थोड़ा सेटअप इसका तो ही परफेक्ट हो पाएगा अच्छा हुआ कि बाइक चलाते हुए नहीं गिरा यहाँ पे हेलमेट उतारने लगा तो ही गिरा ये सेटअप किया था इन्होंने अब मैं करके दूंगा वो मैंने नहीं किया था ये भाई साहब ने किया था सेटअप जो किया था अभी हमने कुछ किया ही नहीं अब हम करेंगे चलो कोई बात नहीं होता रहता है